हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सी सेट की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यूब एंड डाइसेस। यस, क्यूब एंड डाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो आप देखोगे कि क्यूब एंड डाइसेस पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप 2015 के अंदर वन क्वेश्चन था आपका, किसमें से, क्यूब एंड डाइसिस के अंदर क्यूब का क्वेश्चन था, नॉट फ्रॉम डाइसिस। ओके, इन 2016 देयर वाज वन क्वेश्चन, 2017 वन क्वेश्चन, एंड 2018 देयर वर फोर क्वेश्चंस फ्रॉम क्यूब एंड डाइसिस। द क्वेश्चन वाज, वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम क्यूब एंड थ्री क्वेश्चंस वर फ्रॉम डाइसिस। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखिए, ठीक है ना। तो 2019 में भी एक क्वेश्चन आपका क्यूब एंड डाइसिस पे था। दैट मीन्स कि क्यूब एंड डाइसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये कहूँगी काफ़ी ईजी टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप आज की क्लास अच्छे से अटेंड कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, तो क्यूब एंड डाइसिस में आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यूब एंड डाइसिस में से, तो आप कर लोगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवा रही हूँ। जो भी ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ जिसके बेस पे आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से समझेंगे सभी। देखिए, क्यूब देखा है सभी ने, इस तरह का होता है। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्यूब के अंदर, तो क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक क्यूब है, ठीक है, और एक बिगर क्यूब को मैं कट कर देती हूँ स्मॉलर क्यूब्स के अंदर। अब जैसे ये क्यूब है हमारा, इस पे पेंट किया हुआ है, एक ही क्यूब है हमारे पास में, जैसे ये पेंट किया हुआ है, करें कि अगर हम इसको कट कर दें स्मॉलर पार्ट्स में से, तो कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिस पे एक कलर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, ऑन हाउ मैनी क्यूब्स देयर विल बी टू कलर्स, ठीक है, तीन कलर्स कितने क्यूब में होंगे, ठीक है, और कितने क्यूब ऐसे होंगे जिस पे कोई भी कलर नहीं होगा। बस एक ही सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो, सिंपल समझो, इस वाले क्यूब को लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए मैं इसको थ्री पार्ट्स में ब्रेक करती हूँ, थ्री पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करते हैं, ये हमारा पूरा क्यूब है। मैंने इसी तरह का क्यूब क्यों लिया, क्योंकि इस तरह का क्यूब हम जनरली देखते हैं, ठीक है ना, गेम्स में हमारे पास में इस तरह का क्यूब आता है जिसको बच्चे बिल्ड करते रहते हैं, उनके कलर सेट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने ये वाला क्यूब लिया है यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं इसको थ्री पार्ट्स में ब्रेक करती हूँ, तो ब्रेक करेंगे तो हमारे पास में इस तरह से जाएगा ये, ठीक है। सेम वे यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो पूरी की पूरी स्लाइस ऐसे कटेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कि थ्री कलर्स कितने क्यूब पे होंगे। थ्री कलर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, जब ये ब्रेक होके मेरा आएगा, तो इस पे कितने कलर्स होंगे, थ्री कलर्स होंगे। जो इसके अंदर वाले जो दो हिस्से हैं, जो तीन हिस्से मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन पे तो कलर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इंटरनल है। जब हमने इसको पेंट किया है, तो कलर सिर्फ बाहर वाले पार्ट पे ही होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने कलर्स होंगे, हमारे पास में थ्री कलर्स होंगे, ठीक है। ये कौन सा है, कॉर्नर वाला क्यूब है। हमें पता है कि क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, सभी को पता होना चाहिए क्यूब के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं आपके पास में, एट कॉर्नर होते हैं, चार ऊपर वाले, चार नीचे वाले, चार एट कॉर्नर होंगे, क्योंकि जो साइड वाला है ये तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। फेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। एजेस कितने होते हैं, ट्वेल्व होते हैं। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बस यही हमने एक पॉइंट लेना है कि ये जो है कॉर्नर वाले, कॉर्नर वालों पे कितने कलर होंगे, देयर विल बी थ्री कलर्स। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं एक बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स के अंदर कट करती हूँ, इन दैट केस देयर विल बी एट क्यूब्स हैविंग थ्री कलर्स। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप उसको थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो, ठीक है ना, थ्री थ्री के अंदर, या फिर आप फोर में ब्रेक कर रहे हो, चाहिए आप उसको टेन टेन की स्लाइसेस के अंदर ब्रेक कर रहे हो, ऑलवेज कितने, जो थ्री कलर वाले कितने होंगे आपके पास में, एट होंगे, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं टू कलर्स की। अब टू कलर्स देखो, आप टू कलर किस पे होंगे, अब जो ये वाला है हमारा बीच वाला, ठीक है ना, अब इसके अंदर देखो एक साइड तो ये वाला कलर आ गया, ठीक है, सेम कलर भी हो सकता है डिफरेंट भी, और दूसरी साइड ये वाला कलर आ गया, तो इस पे दो कलर होंगे। बाकी के जो छह फेसेस हैं, छह फेस के अंदर से अपने पास में दो पे तो कितने होंगे, दो कलर होंगे, और बाकी के चार का हमें नहीं पता, क्योंकि वो खाली होंगे, उस पे तो कोई भी कलर नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल है। जो चार फेस हैं इसके, वो तो ब्लैंक होंगे,
टू के ऊपर कलर होंगे, ठीक है ना। अब टू फेसेस पे कलर हो गए, दैट मींस कि दो कलर आ गए हमारे पास में, डन। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस पे दो होंगे, ठीक है। सेम वे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो गया, और इसके पीछे वाली जो साइड है वो हो जाएगी। सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इस पे जो भी कलर होएगा, ये दोनों व्हाइट और ब्लू कलर हो गया। सेम वे अगर हम देखें ये वाला पार्ट, तो ये और इसकी जो बैक साइड में जाएगा उस पर भी कलर होगा। तो एक फेस पे कितने हुए, चार हो गए। एक फेस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास में चार कैसे हैं, हाँ जी, चार ऐसे हैं जिसके ऊपर कितने मेरे पास में, देखो कितने हैं, टू कलर से। अब देखो चार इधर से हो गए। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर ये वाला तो मेरा इंक्लूड हो ही चुका है, ये तो मेरा इंक्लूड हो ही चुका है। और ये अगर मैं इसी की बैक साइड में जाऊं तो चार पीछे वाली साइड हो गए, चार और चार कितने हो गए, आठ, आठ। और इसी तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ जो बीच वाले रह गए ये रह गए इसके, ठीक है ना। तो दो इधर से और दो उधर से, ऊपर से कितने हो गए, चार ही हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 12। मींस कि जो टू कलर वाले हो जाएंगे वो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 12, क्लियर। थ्री कलर वाले मैंने अभी आपको बताए थे, थ्री कलर वाले कितने हो जाएंगे आपके पास में, 8। अब अगर हम बात करते सिंगल कलर की, तो देखो थ्री कलर वाले हमारे बाहर हमने एक्सक्लूड कर दिया है, यहाँ पे हमने आपके पास में टू कलर वाले भी ले लिए, बच गया एक कलर वाला। एक कलर वाला कौन सा रह गया, ये वाला। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूं तो सिर्फ ये वाला पर रह गया, इन पे तो दो दो कलर हो गए, ठीक है, इन पे तीन तीन कलर हो गए, ये कौन सा हो गया, वन कलर। अब फेस अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं हमारे पास में, 6 है, 6 है। तो यहाँ पे अपने पास में वन कलर वाला कितना हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। सभी 6 के 6 साइड पे कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 6। तो वन कलर वाले कितने हो जाएंगे आपके पास में, 6 हो गए। अगर मैं देखूं कि टोटल मेरे पास में कितने बन रहे हैं, टोटल कितने बन रहे हैं, भाई 3-3 के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो टोटल स्मॉलर ब्लॉक्स कितने होंगे, टोटल स्मॉलर ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे आपके पास में, टोटल स्मॉलर क्यूब कितने हो जाएंगे, 3 क्यूब, दैट मींस 27। इसमें से अगर हम कलर देखें तो हमारे पास में कितने हो गए, 26 तो कलर्स हो गए। दैट मींस कि ऐसे क्यूब जिस पे कोई भी कलर नहीं होगा वो कितने हो जाएंगे, नो कलर। 27 - 26, दैट मींस कि 1 क्यूब डोंट हैव एनी कलर, उस पर कोई भी कलर नहीं रहेगा। बस ये सिंपल सा पॉइंट है, ये हमें क्लियर हो गया। दैट मीन्स कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको पास में, यहाँ तो देखो हम कह रहे हैं भाई 3-3 पार्ट्स में उसको क्या किया था, ब्रेक किया था, तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एग्जाम में कई बार आ जाता है कि अपने पास में एक बिगर क्यूब है और उसको 20-20 स्लाइसेस के अंदर कट किया गया है, अब बताओ कि हाँ जी नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, क्वेश्चन में आ सकता है, टू कलर्ड कितने होंगे, थ्री कलर्ड कितने होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास में, ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे, n क्यूब, डन। जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वन साइड को, उतने ही सभी साइड्स हो जाएंगी, तो वो हो जाएगा अपने पास में n क्यूब। मैं कहती हूँ कि भाई मेरे पास में जैसे यहीं पे था हमारा, क्या था, 3-3 सेंटीमीटर साइड्स है क्यूब की, और उसको 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब्स, स्मॉलर क्यूब्स हमने उससे क्रिएट किए हैं कट करके। दैट मींस कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, साइड ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ओके, बस अब सिंपल है। देखो जैसे अभी हम मान लेते हैं, अभी हमने पिछले वाले में कितना किया था, 3 लिया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 3 क्यूब 27, यही करा है मैंने आप लोगों को, हाँ जी। वन साइडेड कलर, 3 - 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 × 6 इज इक्वल टू 6, इन केस ऑफ 3 ले रही हूं मैं, ठीक है, हाँ जी। टू साइडेड देखो, n - 2, 3 - 2, 1, 1 × 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है, हाँ जी। थ्री साइडेड, दिस विल ऑलवेज बी 8, हमेशा 8 रहेगा आपके पास में थ्री साइडेड, चाहे जितने मर्जी पार्ट्स के अंदर उसको कट किया गया हो। ओके, हाँ जी। नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ नो कलर, नो कलर कितना हो जाएगा, n - 2, 3 - 2, 1, 1 का क्यूब 1। अब देखो यही हमारा था, क्या था, 12, 8, 6 and 1, एंड दिस इज अगेन 12, 8, 6 and 1,
क्लियर, जस्ट आपने फॉर्मूले में पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा, डन। तो अभी यहाँ पे अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया था आपका 2016 के अंदर। अब आप इसको बड़ा इजीली कर लोगे अगर आपको समझ आ गया क्या है। ए क्यूब हैज ऑल इट्स फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स, इट इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइजेस सच दैट द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 1/4 ऑफ द बिगर क्यूब। बिगर क्यूब की कितनी है, 1/4 है। दैट मीन्स कि एन कितना हो गया हमारे पास में, बिगर अगर 1 का है तो वो क्या हो गया 1/4। दैट मीन्स कि n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे आपके पास 4। आपको क्यूब ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। द नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब विद ओनली वन साइड पेंटेड इज, वन साइड पेंटेड आपको फाइंड आउट करना है। और वन साइड पेंटेड का अभी हमने फॉर्मूला किया था, क्या था, n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा, हाँ जी, वन साइड पेंटेड n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। सो दिस विल बी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, दैट मीन्स 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24। हाँ जी, आंसर आ जाएगा 24। इसका ध्यान रखना आपका, इस क्वेश्चन का आंसर ना कुछ साइड्स के अंदर रॉन्ग दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 24 करेक्ट आंसर है इसका। ओके, कंसेप्चुअली सोच के चलना है आपने, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2017 के अंदर आया हुआ था। देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, क्या है, द आउटर सरफेस ऑफ 4x4x4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड कंप्लीटली इन रेड, रेड कलर से उसको पेंट कर दिया, ठीक है। इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेस टू यील्ड 64111 सेंटीमीटर ऑल क्यूब। क्या कह रहा है कि 64 के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखो जो बिगर था आपके पास में, ठीक है ना, उसकी साइड कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर है उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे एन की वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, एन की वैल्यू क्या हो गई, 4/1, दैट मींस कि 4। ओके, और टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बनेंगे, 4 raised to power 3, दैट मीन्स कि 64। और ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि 64। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हाँ जी बताओ टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने बनेंगे, इन दैट केस यू विल आंसर एन क्यूब। ओके, जितनी भी एन की वैल्यू उसका आपने जस्ट क्यूब करना और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, नो कलर, डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, दिस इज योर क्वेश्चन। अब किसी पे भी कलर नहीं होगा, तो किसी पे भी कलर किस पे नहीं होगा, हाँ जी अभी मैंने आपको बताया था n माइनस 2 क्यूब, तो कितना आ जाएगा इसके अंदर, 4 माइनस 2 2 क्यूब, दैट मीन्स व्हाट, 8। 8 ऐसे होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा, सो देयर आंसर विल बी 8। पॉइंट इज क्लियर, हाँ जी बताओ कितना ड्रॉ करना पड़ा आपको, बट कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। ओके, क्लियर है सभी को, क्या करना है, अगर नो कलर पूछता है तो आपने सिंपली क्या करना है, n माइनस 2 raised to power 3 उसका क्यूब कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। यस, ए सॉलिड क्यूब ऑफ 3 centimeter साइड पेंटेड ऑल इट्स फेसेस, उसके सारे फेसेस पेंट कर दिए गए, इट इज कट अप इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 1 साइड, 3 सेंटीमीटर का है, 1/1 साइड के अंदर कट कर दिया, दैट मींस कि यहां पे हमारे पास में n की वैल्यू क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1, दैट मींस 3 आ गया। ओके, देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 painted faces। अभी ये तो हम कर चुके हैं, जल्दी से आंसर करेंगे, हाँ जी खुद से ट्राई करो, अभी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था, तो उसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करना बताया था, तो उसके अंदर देखो कि जो 2 पेंटेड थे तो एक की साइड 4 थे, याद करो 4 4 8 and 4 12 था, तो क्या आंसर आ गया था हमारे पास में, 12 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर फॉर्मूला से भी देखें तो हमारे पास में 2 फेस
टू साइड पेंटेड वाला कितना आ जाएगा? कितने क्यूब्स आ जाएंगे आपके पास में? n माइनस टू इंटू 12. हेयर n इज इक्वल टू 3. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12. सो 12 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर सभी को? हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2015 का. अब जो कलर्ड था, कलर्ड का कंसेप्ट आई थिंक सभी को क्लियर हो गया. अब हम आते हैं डाइस के कंसेप्ट पे. पहले कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब डाइस के अंदर सिंपल दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर वो आपको पता है तो डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, ठीक है ना? तो अभी देखते हैं पहला पॉइंट क्या है. एक डाइस है अपने पास में, ये डाइस है अपने पास में. अब डाइस पे टोटल हमें पता है, हाँ जी, 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं या 6 आपके पास में सिंबल भी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, कोई भी आपके पास में अल्फाबेट भी हो सकता है किसी भी डाइस के अंदर. तो टोटल 6 फेस पे टोटल हमें 6 ही मिलेंगे, ठीक है? अब एक और डाइस है, डन. अब जो ध्यान रखना है हमने कि अगर मान लो ऐसा है मेरे पास में, मेरी डाइस पे कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं, ठीक है, क्लियर. अब अगर दो डाइसिस के अंदर एक नंबर कॉमन हो रहा है, ध्यान रखो एक नंबर अगर कॉमन है तो उस केस में, अब पहला क्या है, 1 कॉमन, उस केस में क्या करोगे आप? ध्यान से समझ लो पॉइंट को. ये आपने पॉइंट समझ लिया, डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला. अब देखो यहां पे हमारे पास में क्या है कि जो 2 है वो कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है, क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इस 2 से या तो क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज. बट ध्यान रखना क्लॉकवाइज दैट मींस कि दोनों में ही क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज मींस दोनों में ही हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है. तो अभी मैं क्लॉकवाइज जा रही हूं, ठीक है ना? तो जैसे 2 लिखा मैंने, अब यहां से क्लॉकवाइज क्या है, 1, उस यहां से क्लॉकवाइज क्या है, 3, क्लियर. अब यहां पे भी देखो ये 2 है, 2 से क्लॉकवाइज 4 से क्लॉकवाइज चले 6. यहां से मुझे क्या पता चला कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 4. अगर मान लो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 4, जो मेरी डाइस है ना उसके अंदर 1 के नीचे क्या होगा, मेरा 4 होगा, ध्यान रखे, ठीक है? दूसरा जो पॉइंट है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा. अब बात आते हैं कि 2 के अपोजिट क्या हो गया, जो रिमेनिंग नंबर है दैट विल बी अपोजिट टू द कॉमन नंबर. तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 हमें पता है डाइस का ले रहे हैं हम, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा. सिंपल वन कंसेप्ट. सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, हाँ जी, फर्स्ट समझ आ गया 1 कॉमन. अगर मेरे पास में मेरी डाइस के अंदर 2 नंबर्स कॉमन है, 2 नंबर्स कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे था मेरे पास में, जस्ट ए मिनट, हाँ जी, ये देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास है 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, दो डाइसिस के अलग अलग व्यूज आपको गिवन है और इसके अंदर 2 नंबर कॉमन है. जब भी आपके पास में 2 नंबर कॉमन होते हैं, 2 नंबर कॉमन है, 2 सिंबल कॉमन है, 2 अल्फाबेट कॉमन है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपके पास में रिमेनिंग है दैट विल बी अपोजिट टू द रिमेनिंग वन. तो अब जैसे यहाँ पे है आपके पास, देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, बच गया क्या, इसमें रह गया 1 और इसमें क्या रह गया, 4. दैट मीन्स कि 1 के अपोजिट क्या होगा आपके पास, 4 होगा. 1 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा. सिंपल, हाँ जी, दोनों पॉइंट क्लियर है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास में एडजेसेंट साइड्स गिवन है, एडजेसेंट साइड्स गिवन है, देन वो जो नंबर एडजेसेंट है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 का अपोजिट 2 और 3 कभी भी नहीं हो सकता, 4 का अपोजिट 2 और 3 कभी भी नहीं हो सकता, क्लियर? एडजेसेंट साइड्स कभी भी अपोजिट नहीं होंगी. अगर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो डाइस का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा. देखिए
अब क्वेश्चन पे आते हैं, 2015 का क्वेश्चन है, क्या है आपके पास, ईच ऑफ द फॉल सिक्स डिफरेंट फेसेस ऑफ क्यूब हैज बीन कोटेड विद डिफरेंट कलर्स, हियर द कलर्स आर VIBGYO, ओके सिक्स कलर इज O, डन। अब क्या गिवन है, कह रहा कलर YOB आर ऑन एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस पे कौन कौन से हैं, YOB, दूसरा कह रहा कलर IGY आर ऑन एडजेसेंट फेसेस, BGY आर एडजेसेंट फेसेस, OVB आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। जब आपके पास में ये गिवन है कि एडजेसेंट फेसेस के ऊपर क्या क्या मेंशन है, नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑपोजिट। देखो अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है इन दोनों के अंदर, इन दोनों में कॉमन क्या है, जी और वाई कॉमन है, जी और वाई कॉमन है, दैट मीन्स कि आई के अपोजिट क्या होगा, बी। क्या आ गया हमारे पास, आई के अपोजिट आ गया बी। मैंने क्या बताया कि अगर दो कॉमन है फेसेस, एक ये है आपके पास में, दूसरी ये गिवन है, क्या कह रहा है, आई जी वाई, दूसरे में क्या है, बी जी वाई, ओके। अब देखो दो कॉमन है, वाई कॉमन है और जी कॉमन है, दैट मीन्स क्या, टी के अपोजिट क्या चला गया हमारे, आई के अपोजिट क्या चला गया हमारे पास में, बी, दिस इज आई नॉट टी, ओके। सेकंड पॉइंट देखो, पहला पॉइंट समझ आ गया, दूसरा देखो, अब और किसी में कुछ कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में, हाँ जी, फर्स्ट और फोर्थ को देखो, ठीक है, यहाँ पे बी कॉमन है और ओ कॉमन है, दैट मीन्स कि वाई के अपोजिट क्या जाएगा आपका, बी, वाई के अपोजिट क्या हो गया आपके पास, वी हो गया, क्लियर। अब बच गया क्या, हाँ जी, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या बच गया, ओ, तो ओ के अपोजिट क्या जाएगा, रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास में, कौन सा कलर है रिमेनिंग, जी, क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर, जी, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, जी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल है। आई होप सभी को क्लियर है, ध्यान रखो अगर दो कॉमन है तो जो थर्ड रिमेनिंग है दैट इज अपोजिट, ठीक है, अगर सिंगल कॉमन है तो बाकी के जो है, अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो वहां से अपोजिट निकल जाएगा, तो अब यहां से तो कॉमन से ही निकल गया आपके पास में, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब है 2018 के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस थे डाइस पे, 1 क्यूब में से था, तो अब देखो ये अलग अलग फेसेस गिवन है, क्या रोटेटेड पोजिशन ऑफ सिंगल सॉलिड आर shown below, the various faces of solid are marked with different symbols, dot, cross and lines. हाँ जी, ये symbol है यहाँ पे, clear है, this is line, dot, यहाँ पे 2 dots हैं, this is line, 2 dot, 3 dot, हाँ जी clear है, yes, this is line, 3 dots, 4 dots, cross, 2 dots एंड डोट, डन। अब यहां से अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, एक बार सभी के अपोजिट फाइंड आउट कर लोगे तो उसके बाद में आपके पास में बिल्कुल ही इजी हो जाना है तीनों क्वेश्चन का आंसर करना, तो अभी देखते हैं। आई थिंक फिगर इज नॉट क्लियर टू यू, तो एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट कि आपको इजिली क्लियर हो जाए, ओके, नाउ क्लियर। अब देखिए, अब हमने इसकी हेल्प से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, अब देखो आप कि यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, पहले वाले में देखो लाइन है, ठीक है, और टू डॉट्स है, लाइन और टू डॉट्स, दैट मीन्स कि टू थिंग्स आर कॉमन, तो यहाँ पे जो बचा क्या है, डॉट, सिंगल डॉट के कोरस्पॉन्डिंग क्या जाएंगे, 3 डॉट्स ऑपोजिट हो गए, दो कॉमन है ना, मैंने क्या बताया भाई, दो कॉमन है तो तीस जो बचा हुआ बचे हुए के ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये लाइन है, इसमें भी लाइन है, थ्री है, क्या बच गया, इसमें बच गया आपके पास में 2 डॉट्स, ठीक है, और इसके अपोजिट क्या जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास में 4 डॉट्स, क्लियर, हाँ जी। अब रिमेनिंग क्या बच गया हमारे पास में, लाइन, लाइन के अपोजिट क्या बच गया, ऑब्वियसली क्रॉस, लाइन के अपोजिट क्या चला जाएगा, क्रॉस। अब आप यहां से भी देख सकते हो कि लाइन के अपोजिट क्या जाएगा, यहां पे देखो सिंगल डॉट 2 डॉट, सिंगल डॉट 2 डॉट, तो यहाँ पे ये लाइन है, ये क्या आ गया, क्रॉस आ गया, सिंपल। जस्ट अब आंसर करना आपने जल्दी जल्दी, क्या, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट कंटेनिंग सिंगल डॉट, सिंगल डॉट के अपोजिट
कौन सा फेस होगा? सिंगल के अपोजिट अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है? थ्री, तो आंसर क्या आ जाएगा? थ्री डॉट्स, सिंपल। हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर? अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है ना, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके? यस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है? और अगर हमारा ये जो प्रीवियस ईयर का फ्री वार्म अप कोर्स है, ये इसको जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर कर लीजिए, सो दैट कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सभी टॉपिक वाइज आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है? और विद पीडीएफ एंड टेस्ट आप लोगों को सारा मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपकी जो भी क्यूरीज है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? हाँ जी, और सी सेट का हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स भी है, सी सेट का पूरा कंप्लीट कोर्स। अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास में कंप्लीट कोर्स भी है, मॉड्यूल वाइज कोर्स भी है, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक अवेलेबल है। फिर भी अगर कोई क्यूरी आती है, देन यू कैन कमेंट, ओके? यस, आगे आंसर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिंबल टू द फेस अपोजिट कंटेनिंग टू डॉट्स? अब देखो, टू डॉट्स के अपोजिट कितने थे? फोर डॉट्स। सो आंसर विल बी फोर डॉट्स, ओके? यस, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन भी था इस पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें आपके पास में? व्हाट इज द सिंबल फेस अपोजिट कंटेनिंग द क्रॉस? क्रॉस के अपोजिट क्या है? तो क्रॉस के अपोजिट क्या था? लाइन। सो आंसर विल बी लाइन, ओके? आई होप सभी को क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? चलिए जी, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास में? ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो, ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब्स ऑफ टू डिफरेंट साइजेस सच दैट 32 क्यूब्स क्या है? स्मॉल है आपके पास में, एंड अदर फोर क्यूब्स आर बिग, फोर बिग है। डन, नन ऑफ द फेसेस ऑफ बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड? अब देखो यहाँ पे कह रहा है 32 स्मॉलर है, और जो ब्लू है वो किसी का भी बिगर का नहीं है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि हमारी इस तरह की फिगर आ गई, ठीक है? क्या है? एक येलो है, ब्लू है, और येलो है, ब्लैक है और ब्लू है। अब कह रहा है कि जो स्मॉलर है, स्मॉलर कोई भी आपके पास में, जो बिगर है वो कोई भी ब्लू कलर का नहीं है। अब अपोजिट, अब ये ब्लू है, ब्लू के नीचे भी ब्लू है, येलो के पीछे भी ब्लू येलो है, और ब्लैक के पीछे भी ब्लैक है, ओके? तो अब देखो 32 क्यूब्स कह रहा है, दैट मींस व्हाट? कि अगर मेरे पास में 4 4, ये जो है इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो कितने बनेंगे? देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 4, क्लियर? हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में स्मॉलर कितने हो गए? अब ये इस तरह गया है तो यहाँ पे भी तो हमारे पास में जब कट होगा तो इधर से भी कट होगा, क्लियर? इसी तरह से यहां से भी देखो आप, चार, सेम ब्लू से ही नीचे के लेके चलो तो कितने हो गए आपके पास में? ये हो गए आपके पास 16 अपर और 16 जो नीचे है, दैट मीन्स की 32 स्मॉलर क्यूब्स हो गए। तो 32 हमारे पास कैसे हैं? स्मॉलर क्यूब्स है, क्लियर? अब देखो जैसे ये ऊपर गया, इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी तो ऐसे ही कट होंगे, ठीक है ना? क्लियर? दैट मीन्स व्हाट? कि स्मॉलर तो ये आ गया, बिगर क्यूब कौन से बने? बिगर क्यूब कौन से बने? ये जो है, ठीक है, इसमें से ये कट कर दिया और इधर से इस साइड से कट कर दिया, कितने बनेंगे? टोटल 4 ही बनेंगे, एक इसके साइड वाला आ जाएगा, इसके साइड में। अब बिगर वालों पे सभी पे दो दो कलर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं हमें साफ साफ कि भाई सभी पे दो दो कलर बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड? वन फेस पेंटेड कितने का होगा? देखो यहाँ पे इन कॉर्नर वालों पे कितने होंगे? 8 होंगे। ये वाले जो है इन पे कितने होंगे आपके पास में? दो दो कलर होंगे। जो ये वाले हैं आपके पास में 1 2 3 और 4, इन पे कितने कलर होंगे? एक कलर होगा, ठीक है? दैट मीन्स कि 4 तो ऊपर और 4 ही नीचे की साइड होंगे आपके, तो कितने हो गए टोटल? 8 क्यूब्स हो गए जिनके अंदर वन फेस पेंटेड है। सो आंसर विल बी 8 क्यूब्स, ओके? आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको क्यूब एंड डाइसिस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस
सिर्फ हाफ क्यूब एंड डाइस भी ले सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। बट आई होप इट इज सफिशियंट। हमने क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर का जो ये हमारा कोर्स है इसके लिए आप अगर रजिस्टर कर लेते हो तो वहाँ पे इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 20, और इसको समझ लो मोर देन सफिशियंट है अगर आपको क्लियरिटी है। ठीक है, ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।